हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ड्राइवर भाई बार बार ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि आशु भाई ये बताइए कि इलेक्ट्रिक ऑटो की LOI की जो डेट है, जो वैलिडिटी है, वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक ऑटो की जो LOI है उसकी डेट बढ़ चुकी है, कितनी बढ़ी है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक ऑटो की जो LOI है उसकी डेट जो है 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। हाँ जी दोस्तों, सभी भाई ध्यान से सुन लें, 31 अक्टूबर 2022। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ, इसे जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक। आप यहाँ पे साइड में ये मैसेज देख सकते हैं, ये मैसेज आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की LOI की डेट 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। ये प्याजो कंपनी की जो एजेंसी है वहाँ की तरफ से ये मैसेज जो है वायरल किया जा रहा है, और इसमें फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं कि आप हमारे यहाँ पे आएँ और अपना इलेक्ट्रिक ऑटो को बुक कराएँ और इलेक्ट्रिक ऑटो लें। तो दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो मैसेज है ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक तो ना तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की साइट पर या फिर कहीं पर भी दिल्ली परिवहन विभाग से या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर जारी नहीं किया गया है जिससे पता चले कि 31 अक्टूबर 2022 तक जो है LOI की डेट बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है कि जिनकी LOI की डेट खत्म हो चुकी है उनकी LOI कैंसिल हो चुकी है, यानी कि ना तो कैंसिलेशन का कोई ऑर्डर जारी हुआ है ना ही वैलिडिटी का कोई जो है ऑर्डर जारी हुआ है। तो जिसके पास भी इलेक्ट्रिक ऑटो की LOI है वो अभी फिलहाल तो बड़ी आसानी से अपना LOI से अपना इलेक्ट्रिक ऑटो बुक कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरी जो डीलर हैं इलेक्ट्रिक ऑटो के जो डीलर हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास LOI है तो आप बिना झिझक के आप हमारे पास आइए और इलेक्ट्रिक ऑटो की अपनी बुकिंग कराइए, आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मिल जाएगा, LOI की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास LOI है और आप इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं तो आप अपना इलेक्ट्रिक ऑटो किसी भी डीलर से, जिस भी कंपनी का आप लेना चाहते हैं, उसको बुक कर सकते हैं, या फिर बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन कब तक होगा इसकी कोई पक्की डेट या फिर पक्की समय सीमा नहीं आई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इंतज़ार करना चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार जब किया जाए कि किसी की डेट जो है कोई फिक्स हो कि हाँ इतने दिन में या फिर इतने महीने में आ जाएगी चीज़, तो हम उसका इंतज़ार करें तो अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, जिसकी कोई समय सीमा ही तय ना की गई हो, ना ही कंपनी बजाज की कंपनी जो है उसकी द्वारा कोई भी ऐसी सूचना जारी की गई हो कि हम इलेक्ट्रिक ऑटो किस डेट को किस महीने में लॉन्च करेंगे, तो दोस्तों ऐसे में बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो का इंतज़ार करना रिस्कफुल भी हो सकता है और फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है। बाकी मैंने मैसेज ये आपको दिखा दिया है साइड में, इसमें फ़ोन नंबर भी लिखे हैं, ये झंडे वाला जो प्याजो कंपनी की एजेंसी है वहाँ के फ़ोन नंबर हैं, आप इन पर कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी LOI की डेट के ऊपर, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।